नमस्कार, नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में आज हम शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे। शेयर बाजार यानी इक्विटी मार्केट। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इक्विटी मार्केट में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। काफी हद तक ये बात सही भी है। जनवरी 2005 से जून 2006 के बीच निफ्टी में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका एक स्टडी किया गया। इस डेढ़ साल में लगभग 140 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जिसकी कीमत 47 लाख करोड़ रुपये है। 25 लाख इन्वेस्टरों ने ट्रांजेक्शन किए। उसका जो परिणाम है स्टडी का, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। 25 लाख इन्वेस्टरों ने 8400 करोड़ रुपये का नुकसान किया। वो भी नुकसान इस वक्त जब निफ्टी ने 60% रिटर्न दिया था, मतलब तेजी की मार्केट में 25 लाख इन्वेस्टर ने 8400 करोड़ रुपये खोए। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये जुआ है? इतना बड़ा नुकसान इन्वेस्टर को क्यों उठाना पड़ता है? लेकिन अगर ये जुआ होता तो दुनिया की कोई गवर्नमेंट इक्विटी मार्केट को प्रमोट नहीं करती, बढ़ावा नहीं देती। हिंदुस्तान में ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक साल तक इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न मिलता है आपको, वो टैक्स फ्री है। ऐसा किसी भी और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है। प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, गोल्ड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, सभी इंस्ट्रूमेंट में टैक्स लगता है। ये एक इक्विटी मार्केट ही है जिसमें एक साल के बाद कंप्लीटली टैक्स फ्री इनकम होती है। तो गवर्नमेंट क्यों बढ़ावा देती है? तो क्या ये जुआ नहीं है? तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विटी मार्केट है क्या। एक बहुत ही काबिल और होशियार बिजनेसमैन, 2 करोड़ की उसने फैक्ट्री लगाई हुई है। वो इतना होशियार है और जानता है कि अगर मैं इसका एक्सपांशन करूंगा तो उसके लिए, उसके एक्सपांशन के लिए उसको 20 करोड़ रुपये की जरूरत है। अगर वो बैंक में जाएगा तो मॉर्गेज देना पड़ेगा, उसके लिए उसके पास है नहीं, तो 20 करोड़ रुपये की शायद उसको लोन नहीं मिलेगी। तो वो क्या करेगा? एक काबिल और होशियार बिजनेसमैन पैसे की वजह से शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उस वक्त इक्विटी मार्केट काम करती है। तो वो क्या करेगा? अपनी कंपनी के शेयर बाहर पाड़ेगा, लोगों को ऑफर करेगा। 20 करोड़ के शेयर लोग उसके शेयर परचेस करेंगे तो उसके उसको 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। उससे वो मशीनरी लाएगा, कंपनी एक्सपांड करेगा, लोगों को जॉब पे रखेगा। तो इससे क्या होता है? उसका खुद का ग्रोथ होता है, लोगों को जॉब देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, गवर्नमेंट को इन सब से इनकम होती है तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। और जो शेयर खरीदते हैं उसके शेयर के भाव भी बढ़ते हैं कंपनी के ग्रोथ के साथ, तो उसको भी फायदा होता है। तो इसका मतलब है कि इक्विटी मार्केट सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, सबके लिए फायदे का सौदा है। इसलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट इक्विटी मार्केट को बढ़ावा देती है। लेकिन यह मान्यता क्यों हुई? लोग क्यों ये मानते हैं कि इक्विटी मार्केट एक जुआ है? तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 2 साल से L&T का शेयर लिया हुआ है। 2 साल पहले मैंने खरीदा था, 1500 रुपये का वो शेयर आया था। आज भी उसका भाव 1500 रुपये है, उसके शेयर के भाव बढ़े नहीं। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, कंपनी की बैलेंस शीट देखता हूँ, सब स्टडी करता हूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट आया L&T के, तो उसमें मैंने देखा कि L&T को क्वार्टरली रिजल्ट में भारी नुकसान हुआ है। उसके बाद रिलायंस का रिजल्ट आया क्वार्टरली, तो उसमें मैंने देखा कि रिलायंस को भारी मुनाफा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो ये कंपनी जो नुकसान करती है उसमें से मैं निकल जाता हूँ, उसके शेयर बेच देता हूँ, क्योंकि उसमें भाव बढ़े ही नहीं 2 साल से, और मैं रिलायंस का शेयर खरीद लेता हूँ। मैंने सोचा कि अब इसमें मुनाफा हुआ है तो इसके भाव बढ़ेंगे। तो मैंने ये सब स्टडी करके L&T के शेयर बेच दिए और रिलायंस के ले लिए। 1 महीने के बाद मैं देखता हूँ तो L&T के भाव बढ़ने लगे और रिलायंस के भाव घटने लगे।
फिर मैं अपना सिर पीटता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये नसीब ही मेरा खराब है, मैंने सब स्टडी किया था फिर भी एलएनटी जब तक मैंने रखा एलएनटी का भाव नहीं बढ़ा। जैसे ही मैंने रिलायंस लिया तो एलएनटी का बढ़ने लगा और रिलायंस का भाव बढ़ने लगा। तो ये ज्यादातर इन्वेस्टर यही महसूस करते हैं, लेकिन असल में क्या है, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप स्टडी करेंगे तो उसी में एक मैं एग्जांपल जोड़ के आपको समझाता हूँ कि उस वक्त बजट भी आया। बजट आया तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि रोज के 6 किलोमीटर जो रोड बनते हैं हम उसको धीरे धीरे बढ़ा के 20 किलोमीटर पर डे रोड बनाएंगे। 20,000 करोड़ रुपये का एलोकेशन हमने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। तो उससे क्या होगा, एनालिस्ट कैलकुलेट करेंगे कि 20,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट अगर स्पेंड करने वाली है तो उसमें से कितने प्रोजेक्ट एलएनटी को जाएंगे, इतने प्रोजेक्ट एलएनटी को जाएंगे तो उसको कितना मुनाफा होगा। तो उस सब हिसाब से वो समझते कि अगले 3 से 5 साल में एलएनटी को इतना फायदा होने वाला है, तो उस हिसाब से वो एनालिस्ट एलएनटी के शेयर खरीदते हैं। और रिलायंस में रिपोर्ट आया कर क्रूड के भाव और भी घटेंगे, इंटरनेशनल क्रूड में मंदी आएगी तो रिलायंस को आगे जाके नुकसान होने वाला है, तो रिलायंस के शेयर बेचते हैं। तो मैंने खाली पास्ट देखा, खाली बैलेंस शीट देखा, मैंने फ्यूचर नहीं देखा शेयर खरीदते वक्त। और जो एनालिस्ट है वो पास्ट भी देखते हैं फ्यूचर भी देखते हैं। ये एक बिजनेस के भागीदार बनने जैसा है। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसके भागीदार बनते हैं। तो भागीदार बनते वक्त आप क्या देखते हैं कि उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसकी इनकम क्या है और आगे जाके उसको कितना फायदा होने वाला है, उसकी इनकम रोज बढ़ने वाली है कि घटने वाली है। अगर उसकी इनकम बढ़ने वाली है और उसके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी है तो भी आप उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो अपनी लोन अपनी लायबिलिटीज पूरी कर पाएगा। दूसरे केस में अगर उसकी लोन और लायबिलिटीज बिल्कुल नहीं है लेकिन उसकी इनकम रोज घट रही है तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि अगर उसकी इनकम घट रही है तो वो शायद मुझे वापस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब आप शेयर खरीदते हैं तब सोचनी पड़ती है। एक्चुअली जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तब आप उसके पार्टनर बनते हैं। और सबसे पहली बात होती है पार्टनरशिप का, सबसे पहला नियम होता है कि पार्टनरशिप शॉर्ट टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म होती है। कम से कम हमारा नजरिया 3 से 5 साल का होता है तभी पार्टनरशिप में हमें मुनाफा होता है। हम दूसरे दिन जाके नहीं कहते कि बताओ आज कितना फायदा हो और मेरे पार्टनरशिप का हिस्सा मुझे दे दो। और जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप वही करते हैं, दूसरे दिन देखते हैं कि शेयर का भाव क्या हो गया। आपको अगर उस बिजनेस में भरोसा है कि 3 से 5 साल तक ये बिजनेस चलेगा उसमें मुनाफा होगा तभी आपको उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 1981 में विप्रो के अजीम प्रेमजी ने जब शेयर ऑफर किए 10,000 रुपये के शेयर, उस वक्त आपने खरीद लिए होते और उसकी पार्टनरशिप में आपने भरोसा किया होता, उसकी कैपेबिलिटीज उसकी होशियारी को आपने भरोसा किया होता और आपने अपनी भागीदारी को बनाए रखा होता, आज तक उसके शेयर नहीं बेचे होते तो आज आपके शेयर की वैल्यू 550 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई होती। मतलब आप अजीम प्रेमजी के साथ आप भी करोड़पति बन गए होते, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए था किसके साथ पार्टनर, आपको उस बिजनेस में भरोसा होना चाहिए तब जाके वेल्थ बनती है। तो इक्विटी मार्केट है वो एक कंपनी की भागीदारी है और आपकी सोच उस हिसाब से रखनी पड़ती है तभी आपको मुनाफा होता है, वरना आपको मुनाफा नहीं होगा आपको नुकसान होगा। तो ये सब बातें थी कि इक्विटी मार्केट मतलब क्या है, वो एक जुआ नहीं है क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम है, हम जानते नहीं है इसलिए हम रिस्क ले लेते हैं, किसी की बात सुन के किसी रिपोर्ट सुन के हम शेयर खरीद लेते हैं और घबरा के हम बेच देते हैं। तो ज्यादातर लोग इक्विटी में नुकसान क्यों करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो इक्विटी मार्केट देश की उन्नति के लिए बहुत ही जरूरी है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि एक होशियार बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है उसको पैसा मिलेगा, तो बिजनेस एक्सपांड करेगा तो लेबर यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी
और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, इसीलिए इक्विटी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।